अब कुछ गलतियां जिनको अवॉइड करना है जितना हो सके। अगर हम बात करें, एक तो रट्टा नहीं लगाना। अगर आप रट्टा लगाने पे लग गए कि आप, कुछ लोग करते हैं 150 क्वेश्चन का पेपर सॉल्व किया और देखे कितने आए, बात खत्म हो गई, कितने सही कितने गलत। वो एनालिसिस करना है प्रॉपर कि पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में। रट्टाफिकेशन पे नहीं जाना है, पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा सीटेट का रटने से। नॉट गिविंग इनफ टाइम टू प्रैक्टिस। अगर आपने प्रीवियस ईयर को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, आप यूट्यूब पे जो 9 बजे वाला सेशन में कह रही हूँ वो आप ले लीजिए, आपकी अप्रोच अपने आप डेवलप हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक, न्यू पैटर्न यानी अजर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन को भी करना है। 4-5 क्वेश्चन 30 में से आ जाते हैं जो कथन और कारक वाले क्वेश्चंस होते हैं। व्याकरण को अवॉइड करना है इस टाइम पे। 2-4 नंबर की मुश्किल से व्याकरण आती है, वो भी आप अपनी समझ के आधार पे या पैसेज को देख करके आराम से सॉल्व कर लेंगे। अलग से व्याकरण अभी नहीं पढ़नी एंड मोमेंट पे। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिसकी जैसी तैयारी है, अगर वो इन चीज़ों को मैराथन देख लेता है मल्टीपल टाइम्स, प्रीवियस ईयर कर लेता है, तो जिसकी तैयारी अभी जैसी है उससे कई गुना बेहतर हो जाएगी। और 130, 120 वो डिपेंड करेगा कि आपका कितनी अच्छी आपकी पकड़ बनी है, बट आप मार्क्स ला पाएंगे इतने भी दिन में अगर आप सिर्फ ये चीज़ें फॉलो कर लेते हैं अच्छे से।